और अब खबर इंदौर से है, जहां 14 अगस्त को शहर के नागरिक सामाजिक संगठन सफाई की जिम्मेदारी संभालेंगे और ये अपील कोई और नहीं बल्कि निगम आयुक्त प्रतिभा पाल कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि गोगादेव नवमी पर सफाई मित्रों का अवकाश रहता है, लेकिन ये लोग साल भर बगैर किसी अवकाश के काम करते हैं। इंदौर को देश का सबसे स्वच्छ शहर बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए 14 अगस्त को लोग जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपने वार्ड गली मोहल्लों की सफाई की जिम्मेदारी लेते हुए आसपास साफ सफाई करें। आप सभी का नमस्कार, मैं प्रतिभा पाल, निगम आयुक्त इंदौर। आप सभी लोगों को 13 तारीख की गोगा नवमी की शुभकामनाएं और एक निवेदन और ये अपील सभी लोगों के लिए कि इंदौर के जो स्वच्छता कर्मी हैं, सफाई मित्र हैं, वो पूरे साल भर बिना किसी मौसम की परवाह किए बिना और इस विशेष साल में जब COVID-19 का प्रकोप पूरी तरह रहा, तब भी उन्होंने पूरी शिद्दत के साथ में, मेहनत के साथ में हमेशा फील्ड में डटे रहे। तो उनकी जो महत्वपूर्ण त्यौहार है 13 तारीख का गोगा नवमी का, उसके अगले दिन वो लोग छुट्टी पर रहते हैं। तो इस समय हम सभी का ये दायित्व है कि जिस दिन उनकी छुट्टी है, उस दिन हम अपने शहर जो नंबर वन इंदौर है, भारत का सबसे साफ शहर है, उसको साफ बनाए रखें। तो मेरी आप सभी लोगों से अपील है कि हम अपने गली मोहल्ले वार्ड जोन जिस जगह में रहते हैं, जहां भी सफाई का काम करना चाहते हैं, सफाई में अपना योगदान देना चाहते हैं, श्रमदान करना चाहते हैं, वहां इसमें पार्टिसिपेट जरूर करें। पार्टिसिपेशन का जो समय रहेगा 14 तारीख को 7 बजे से रहेगा। और यदि आप लोग इसके संबंध में और अधिक कोई जानकारी चाहते हैं तो नगर निगम की जो स्वच्छ इंदौर का फेसबुक पेज है, उसमें लिंक भी प्रोवाइड किया गया है, उसके माध्यम से आप आगे की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये अपील सभी इंदौरियों के लिए है जिन्हें इस बात पे गर्व है कि वो सबसे स्वच्छ और सबसे साफ शहर में रहते हैं। तो जिस दिन हमारे सफाई मित्र छुट्टी पर रहेंगे गोगा नवमी के उत्सव के लिए, उस दिन हम सभी लोग मिलकर अपने शहर को वैसा ही साफ बनाएं जैसा कि हमारे सफाई मित्र अपना पूरे साल भर योगदान देते हैं। समय में एक बार फिर रिपीट करूंगी, 14 तारीख का समय है और सुबह की सफाई है 7 बजे की। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार।